चरित्र अजय रहने का है। 21वीं सदी में देश अजय रहे, इसके लिए बन रही है हिंदुस्तान की रक्षा को बदलने वाली रणनीति। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। तैयार हो रहा है परमवीर सेना और पराक्रमी हिंदुस्तान का नया ब्लूप्रिंट। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। जोर दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। तो देशहित में अब बाद भविष्य की सुरक्षा तैयारी। आपने अक्सर सुना होगा कि सेना के लिए हथियारों की खरीद में जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है। दुख की बात है कि कई बार सेना को सही उपकरण वक्त पर नहीं मिलते। देरी की वजह से बजट बढ़ता चला जाता है और कई बार ये हमारे सैनिकों के लिए घातक भी साबित होता है। भविष्य में हमारी सेना कैसी होगी, किस प्रकार से युद्ध लड़ेगी और दुश्मनों की चुनौती का देश कैसे मुकाबला करेगा, ये तय करने की कोशिश शुरू हो गई है। दुश्मनों को सबक सिखाने के बाद वक्त है भविष्य की सैन्य तैयारी का। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए नया थिंक टैंक बनाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले समझिए कि इस थिंक टैंक का काम क्या होगा। तीनों सेना और देश की सुरक्षा के लिए प्लान बनाने में ये सरकार की मदद करेगा। विदेशों से हथियार की खरीद बिक्री के साथ रक्षा तैयारियों पर भी सलाह देगा। किसी भी हथियार की खरीद की सिफारिशों पर विचार करेगा ताकि ये पता लगे कि इससे देश और सेना को कितना लाभ होगा। लॉन्ग टर्म में 30 साल के बाद, 30 साल के अंदर हमारे ऊपर कौन सी थ्रेट्स हैं? क्या हमारा देश उसके लिए प्रिपेयर्ड है? अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो हमें कौन से कदम उठाने पड़ेंगे? एक तो एडवाइजरी रोल ये होगा इसका। डिफेंस स्ट्रेटजी बनाने वाले नए सुपर पैनल में कौन कौन होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की अध्यक्षता में बनेगी डिफेंस प्लानिंग कमेटी यानी डीपीसी। इसमें तीनों सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। नीति देना, पॉलिसीज बनाना, ये राजनीतिकों का काम है और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव जो पदाधिकारी है। 21 अप्रैल को एनएसए डोवल जर्मनी से वापस आएंगे और फिर डीपीसी की पहली बैठक होगी। डिफेंस प्लानिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपेगी। जानकारों के मुताबिक एक साथ सभी मंत्रालय और तीनों सेनाओं के आने से अब मिलिट्री के लिए फैसला लेने में तेजी आएगी। रवि त्रिपाठी के साथ यशस्विता मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारत के पास डिफेंस प्लानिंग कमेटी न होने की वजह से ही शायद तीनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में दशकों की देरी हुई। 2009 में सेना को 186,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, लेकिन 639 करोड़ की डील हुई 2018 में, यानी 9 साल की देरी पे। बताइए, नौसेना को 2005 में फ्रांस से 6 पनडुब्बियों की डील हुई थी और ये सारी पनडुब्बियां 2016 तक शामिल हो जानी थी, लेकिन पहले पनडुब्बी दिसंबर में नौसेना में शामिल थी। यानी कि ये पनडुब्बियां भी नौसेना को देरी से मिलेंगी। वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए 2007 में 126 लड़ाकू विमानों का ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। 2007 में और 2015 में टेंडर रद्द किया गया। 2018 में 110 लड़ाकू विमानों का नया टेंडर जारी किया गया। यानी कि 11 साल की तो ऑलरेडी देरी चल रही है। अब आपको नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में बने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पासीघाट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये एयरजी चीन के बॉर्डर के पास है और आज यहाँ भारतीय सेना के सबसे बड़े विमान C-17